हमारे की पोटी ले ले घूम रहे। ऐसे नहीं मिलेगा, छाव ही खा लेते वही बहुत है। छते में भी आज मैं बना रही हूँ ये मूली के पराठे। तो इसमें ना मूली को मैंने ना थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है एंड इसमें थोड़ा सा अनियन भी जो है पतला पतला से कर लिया है, हरी मिर्च एंड अदरक नहीं है लहसुन है थोड़ा सा। और ये आटा ना गूथा रखा हुआ था तो मैंने दो तीन पराठे ही बस बनाने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी सब्जी और चावल वगैरह सब है मेरे पास। तो लेट्स सी हाउ इट विल टेस्ट बिकॉज बिफोर वन ईयर आई हैड मेड एंड इस ईयर मैं एक ही बार बनाने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। ये देखो हमारा यहाँ पे कपड़े तहा रही हैं, जितने सोफा पे रखे थे सारे गिरा दिए हैं। हाँ, और ये कपड़े डोनेट करने के लिए रख दिए हैं। इसमें मेरे हस्बैंड की एक लेदर जैकेट थी तो ये काफ़ी पुरानी हो गई तो उन्होंने बोला दे देना। और ये जीन्स है, एक शर्ट है, एक और इसमें पैंट थी कहीं। ये भी हैं बहुत सारे कपड़े, इसमें दे देंगे किसी के ज़रूरत के काम ही आ जाएंगे काफ़ी सारे। अच्छा इसमें पैंट रखी है एक और, और ये मेरे हैं काफ़ी सारे कपड़े, मतलब बहुत सारे हैं देखो दो झोले भर के। ये सब देना है मुझे। घर के सारे वर्क कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग बाहर जा रहे हैं धूप में, क्योंकि घर पे बहुत ठंडी लग रही थी ना, सब लोगों ने बाथ वगैरह कर लिया था और ब्लोअर हीटर से कोई काम ही नहीं चल रहा था। तो वही हम लोग डिसाइड किया चलो बाहर ही चल लेते, खाना पीना हो गया है। तो मेरे हस्बैंड देखो मैट लिए हुए आगे, और यहाँ पर थोड़ा सा टूटा हुआ था ना जो ये रॉड एक लोहे का, तो यहीं से सब लोग नीचे से निकले जा रहे, अदरवाइज़ पूरा घूम के आना पड़ता है उस पार्क में। तो यहाँ पर पार्क भी काफ़ी खाली है ना, और देखो जंगल में ऐसे लग रहा घूम रहे क्योंकि हल्की से ढलान भी है ना, बढ़िया लग रहा है वैसे, मज़ा आ रहा है। आप लोगों को जंगल में रहना पसंद है या नहीं? मैं तो चाहती हूँ एक बार मैं जंगल में खो जाऊँ फिर कैसा लगेगा क्या करूँगी मैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ तुम्हें एक दिन खो के आ जाएंगे हम वहीं पे, फिर तुम ढूंढती रहना घर कहाँ है। बट सच में मेरा बहुत मन करता है, मेरी विश है कि मैं एक बार जंगल में खो जाऊँ, फिर मैं खाना ढूंढूँगी पानी ढूंढूँगी, फिर नहीं मिलेगा फिर मिलेगा, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है ना मुझे जाने की। तो ये देखो यहाँ पे हमारे ना घास वास उखाड़ रही, सब लोग उसके साथ खेल रहे क्योंकि और तो क्या ही खेलेंगे, हम लोग उसी का मुँह देखते रहते पूरा टाइम और हंसते रहते उसके साथ खेलते रहते हैं। हम लोग यहाँ पार्क में भी आए हुए हैं और वहाँ पे ना कैथे का पेड़ लगा हुआ है, तो मेरा बहुत खाने का मन करा बट वो काफ़ी ऊपर है तो सोच के एक डंडा ढूंढूँ और उससे तोड़ूँ। फिर एक देखो उस पेड़ में वहाँ कितने सारे कैथे लगे हुए हैं, एक दो अच्छा जूम करूँ मैं। ये देखो यहाँ पे, वाओ आई जस्ट वॉन्ट टू ईट, बट मुझे कैसे मिलेगा। यहाँ पे ना कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं लेकिन छोटी छोटी हैं, तो कुछ बड़ा मुझे ढूंढना होगा। पेड़ के नीचे तो आ गए लेकिन कहाँ मिल रहे हैं वो सब, तो बड़ी दूर है यार। कैथा तो लगता मिलेगा नहीं इसकी छाव ही खा लेते वही बहुत है। कम बेबी आ जाओ चलो, इसको तो बस यही नोचना है। बेबी उठो उठो उठो, आओ आओ आओ, आ जाओ हमारे में। तो कहाँ बैठे हो, बाय बाय कर रहे हो बेबी, छते बेबी बाय बाय। हमारे की पोटी ले ले घूम रहे। काफ़ी देर धूप में बैठ लिए थे और शाम भी होने वाली है तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और हमारे की पॉटी भी साथ में लेके जा रहे हैं क्योंकि इसने ना पार्क में पॉटी कर दिया था तो मैंने वाइप से वहीं क्लीन कर दिया था और उसको दूसरा डायपर पहना दिया था। और ये कपड़े हैं नीतू के बेबी के लिए मैंने ऑर्डर किया था, इसमें ना दो पैजामी हैं और एक टी शर्ट है, बिब है और वन कैप है, और इसके मटेरियल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट एंड विंटर वाला कपड़ा है क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडी तो हो ही रही है ना। ये देखो इसमें कपड़े हैं ये, और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं, देखो बॉय है ना तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ब्लूइश कलर मंगाया, अदरवाइज़ पिंक मंगा लेते हैं अगर गर्ल होती तो। ये देखो मतलब ऐसे कपड़ा है, मैंने फ़ोल्ड कर दिया ना, फिर से मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको अनफोल्ड करूँ और फिर से रखना होगा ना अच्छे से सेट करके, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड को दिखाया था ना, उन्होंने कहा हाँ ठीक है अच्छा है, एक और ड्रेस ऑर्डर किया बट वो अभी रिसीव नहीं हुआ है। ये चावल ना पूरी तरीके से ठंडे हो गए तो अब इसको कोई खाने वाला नहीं है ना, क्योंकि सर्दी ऑलरेडी पड़ रही है और ऊपर से थोड़ी देर हो गई बने हुए ना, तो मैं सोच रही हूँ ना इसकी बिरयानी बना दूँगी। तो ये देखो सारी सब्जियाँ मैंने अच्छे से कट कर लिया, इसमें सोया सॉस और अदर सॉसेज भी ऐड करेंगे बट वो अभी मैंने निकाला नहीं है, बोला भी नहीं जा रहा इतनी ठंडी लग रही है। और इसमें अदरक लहसुन है जिसको मैं ऐसे ऐसे
कुछ लूंगी। जब तक के लिए मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने अमायरा को ना बनानास को छोटे छोटे चॉप करके प्लेट में रख दिया था और बोला खा लो बेबी। और उसको पता है कि फिंगर से खाया जाता है, बट वो फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों खा रही लेट लेट के, और एक भी उठा के खा भी नहीं पा रही है, तो गुस्सा भी कर रही थी। मैं बोलूँ बेबी उठ के खाओ, फिंगर से खाओ, हाथ से खाओ, लेकिन वो समझ ही नहीं रही, उसको ऐसे ही खाना है। तो बहुत मज़ा भी आ रहा था मुझे देख देख के, बहुत हंसी भी आ रही थी कि देख लो मतलब ज़बरदस्ती कैसे ऐसे खा रही है वो। तो अभी देखो ज़िंदगी में और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। एक तो चीज़ मैंने देख लिया है, अभी जैसे जैसे ये बड़ी होगी नई नई चीज़ें और देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी तो उसकी शुरुआत है ना। अभी देखो नमक का डिब्बा गिराएगी, आटा गिराएगी, ऑयल गिराएगी, पानी साबुन सब खाएगी, चप्पल खाएगी, क्योंकि यही सब बच्चे करते ही है ना। तो वही मुझे बहुत एक्साइटमेंट है देखने की। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।